वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स, दैट मींस जो भी साइड ट्राइंगल बनेगा, सपोज ये आपका x1 पॉइंट हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, और ये x3 और y3 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाई टू टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है, ठीक है। तो आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का, तो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू आपकी 2 है, 7 1 हो गया, फिर आपका 1 कॉमा 1 और ये 1 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 10 कॉमा 8 कॉमा 1 हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, यू गेट द रिजल्ट, लेकिन डिटर्मिनेंट चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो कुछ तो फायदा करना चाहिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी लगा के हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस वाले 1 को हम इस्तेमाल करके यहां 0 और यहां 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, या किसी कॉर्नर वाले 1 को इस्तेमाल करके आप 0 कर लीजिए, है ना, जैसा हम लोग डिटरमिनेंट 4.2 एक्सरसाइज में किया करते थे। खैर, तो इसको इस्तेमाल करके हम यहां और यहां 0 बना लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाना पड़ेगा, आर टू को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सच दैट आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सच दैट आर थ्री माइनस आर वन, है ना। अब क्या हो जाएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके पास डिटर्मिनेंट दिखेगी, इट बिकम दैट इज 1/2 टाइम्स, एंड योर डिटर्मिनेंट बिकम कितना हो जाएगा, आर वन, चूंकि आर वन ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा है तो ये कॉपी कर लेते हैं, यहां पे 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 7 ला के 1 में ऐड करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और माइनस 2 ला के 1 में ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, फिर यहां पे भी 0 हो जाएगा, है ना, फिर माइनस 7 ला के यहां पे ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस 2 ला के यहां पे ऐड करेंगे यू गेट 8। अब क्या हो गया, C3 कॉलम में आपके पास दो जीरोस हो गए, तो C3 के अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अबाउट C3 क्या हो जाएगा आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स, और C3 में देखिए प्लस माइनस प्लस है ना, तो 1 टाइम्स क्या लिखते हैं हम लोग, ये कॉलम बंद रो बंद, जो 2/2 की डिटर्मिनेंट आएगी जो हम माइनर भी कहते हैं, 8 और माइनस 6 और 1 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल क्या आ गया आपके पास, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1, ठीक है, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल, माइनस का 48 हो गया आपका, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 48, है ना, तो हम यहीं पे कर ले रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, तो प्लस का 48 और ये ब्रैकेट अब अननेसेसरी अंदर वाली है, पैरेंथेसिस हटा देते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 48 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 47, तो ये भी हटा देते हैं, तो आप नेक्स्ट लाइन में आराम से लिखिएगा प्लस का 47, तो आंसर आपका क्या आ गया, 47/2 एरिया है, तो हमें स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट का तो नहीं पता, अगर यूनिट पता चलेगा तो आप रख दोगे, है ना, तो स्क्वायर यूनिट आंसर करेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर।